ग्राम सतारन ब्लॉक बनियाखेड़ा से 15 किलोमीटर और जिला मुख्यालय से 45 किलोमीटर की दूरी पर बसा है। इस गांव की कुल आबादी 7000 है। वर्तमान समय में इस गांव की कमान ग्राम प्रधान आशा देवी के हाथों में है। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए प्रधानपति ने बताया कि गांव में अधिकांश सड़कें सीसी टाइल्स की करा दी गई है और सोलर लाइट भी लगवाई गई है। टीम ने जब गाँव में प्रधान द्वारा कराए गए कार्यों की समीक्षा की तो देखा कि सभी सड़कें सीसी टाइल्स सोलर लाइट भी लगी हुई दिखाई दी तथा शौचालय भी अच्छी हालत में देखने को मिले। वहीं प्रधानपति ने एबीपीएस न्यूज टीम को गांव की और जरूरतों के बारे में भी बताया, जिसमें ग्राम प्रधान ने सरकार से 30 हैंडपंप और 6 ट्रांसफार्मर की भी मांग की है। और पिछले दिन मैंने गांव में भ्रमण करके देखा है, गांव की जो दिक्कतों को जाना है, जो गांव वासियों से मेरे आए दिन शिकायतें मिलती है, सबसे बड़ी दिक्कत है हमारे गांव में शमशान भूमि में अंतुष्टि स्थल ना होने की वजह से कई बार मैंने ऐसे हालातों को देखा है कि पन्नी लगाकर जो दह संस्कार करते हैं वो करना पड़ता है। सरकार से हमने कई बार ये अपील की, पिछली सरकार ने भी और इसमें भी हम यही अपील करते हैं कि हमें एक अंतुष्टि स्थल की अति आवश्यकता है और सरकार से यही अपेक्षा है कि वो जितनी जल्दी हो सके हमारी ग्राम पंचायत में अंतुष्टि स्थल दें। इसके साथ साथ आंगनबाड़ी केंद्र की व्यवस्था गाँव में नहीं है, जिस पर हमारा प्रयास पूरा है। हम चाहेंगे कि जितनी जल्दी भी हो सके सरकार की तरफ से हमें आंगनबाड़ी केंद्र मिले। उसके पश्चात हमने आए दिन गांव में घूमकर देखा, दोनों स्कूलों को देखा, प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूल को देखा। प्राइमरी स्कूल की जो बाउंड्री है, जो छत है, वो बहुत जर्जर हालत में है। इसके लिए मैं बार बार मैं उसको सी डी ओ साहब और डी एम साहब के संज्ञान में मैंने उसे डाला है, लेकिन उस पर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। और मैंने गांव में भ्रमण करके देखा कि जब हम शुरू में आए तो गांव में लाइट की दिक्कत बहुत ज़्यादा थी। सब तरफ देखकर भ्रमण करने के बाद मैंने सन 2016-17 में सोलर लाइट 20 लगवाई, सीसी टाइल्स 300 मीटर पड़वाई, खड़ंजा 75 मीटर पड़वाया, इंडिया मार्क हैंडपम्प की मरम्मतें करवाईं, सफाई हेतु रिक्शा ठेली खरीदवाई, पंचायत कार्यालय में कुर्सी फर्नीचर मेज आदि की व्यवस्था अच्छे से दुरुस्त कराई। फिर सन 2017-18 के लिए जो मैंने काम किए वो सीसी टाइल्स रोड पड़वाए, सोलर लाइट 11 लगवाई, स्ट्रीट लाइट 65 लगवाई और जूनियर हाई स्कूल की मरम्मत कराई, उसमें 4 शौचालय, 2 बालिकाओं के लिए, 2 बालकों के लिए करवाई। और उसके पश्चात प्राइमरी स्कूल में भी 2 शौचालय निर्माण कराया। उसके बाद जूनियर हाई स्कूल में बाउंड्री वॉल की व्यवस्था करवाई और पंचायत स्कूल में जो प्रांगण होता है उसमें सीसी टाइल की व्यवस्था करवाई। और अब जो सामने हमारी दिक्कत आ रही है वो धनराशि कम होने की वजह से हमारे विकास कार्य में बहुत ज़्यादा रुकावट आ रही है। चौदहवीं वित्त की जो किस्तें मिलती थी हमें पिछली बार, वो घटाकर बहुत कम कर दी गई हैं। तो कम होने की वजह से हमारे काम में थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं जो हम पूरा नहीं करवा पा रहे हैं। हम चाहेंगे कि जो प्रधानों की वित्त की समस्या है, सरकार उसको जल्द से जल्द खत्म करे ताकि गांव के विकास कार्य में प्रगति आ सके, तरक्की आ सके।